नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ आपको दिखाएंगे हर राज्य की बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और खबरों को शेयर और लाइक अवश्य करें। शिक्षा और तकनीक में बच्चों के भविष्य की दिशा तय करनी होगी, डॉक्टर पद्मजा शर्मा। डॉक्टर नीलम व्यास स्वयं सिद्धा की चार पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में बच्चों के गंभीर मुद्दों को उठाया। साहित्यकारों ने शब्दों को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बताया। वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोक डॉक्टर पद्मजा शर्मा ने कहा, बच्चों के सामने आज बड़ा संकट है। मोबाइल तकनीक जहां सुविधाजनक है, वहीं हमें तय करना होगा कि बच्चों को इससे किस हद तक जुड़ाव रखना होगा। पिछले दिनों बच्चों द्वारा मोबाइल पर अवांछित फोटो अपलोड करने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, आज बच्चों को साहित्य के माध्यम से शिक्षित करने की जरूरत है। बच्चों के लिए लिखने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है, उसका हल भी बताना होगा। उन्होंने नीलम व्यास स्वयं सिद्धा की चार पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त किया। प्रीत की रागनी, बाल मन की उड़ान, छंद नील प्रभा और व्यष्टि से समष्टि की ओर पुस्तकों का लोकार्पण किया। विशिष्ट अतिथि आध्यात्मिक चिंतक लीला कृपलानी ने कहा, साहित्य और अध्यात्म हमें जीवन में संतुष्टि प्रदान करता है। साहित्य के बगैर जीवन अधूरा है और अध्यात्म के बगैर जीवन की यात्रा संपूर्ण नहीं हो सकती। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उषा माहेश्वरी पुंगलिया ने कहा, स्वयं सिद्धा अपने नाम के अनुरूप शब्दों की साधना कर रही है। उन्होंने अपने नीलम व्यास से जुड़ा और उनके साहित्य की विवेचना करते हुए छंदों को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। जहां बता दें, उन्होंने नीलम व्यास के साहित्य विभिन्न पहलुओं और छंदों की व्याख्या करते हुए कहा, जब कविता में लय नहीं होगी, कविता अर्थहीन होगी। इस मौके पर एनडी निम्बावत, संजय व्यास, ओम प्रकाश व्यास, महेश पावर, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा, हर्षद सिंह भाटी, पंकज जांगीर आदि लोग मौजूद रहे। कवि की पहचान बनती है। कोरोना के बाद तो बहुत सारी महिलाएं लेखिकार कवि उभर के सामने आई हैं। अभी अभी हालिया में 2-3 महीनों में तो जो बुजुर्ग है कवित्री, उन्होंने किसी ने 7 पुस्तक का विमोचन किया, किसी ने 5, मेरी 4 पुस्तक का है। तो मैं समझती हूँ जोधपुर में एक इतिहास बनने जा रहा है। इससे पहले इस तरह से 4-4 और 7-7 पुस्तकों का विमोचन नहीं हुआ था। एक अच्छी परम्परा है, आगे भी जारी रहेगा जी। उम्मीद है, मेरी खुद की भी लिखी हुई है काफी, तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि 4 की बजाय मैं 5 या पब्लिश करूँ अगले साल तक। और आगे भी जारी रहनी चाहिए ताकि महिलाएं लेखक रहे, आगे आए वो भी, और समाज में उनको मान्यता और सम्मान भी मिले। आपने जो पुस्तक लिखी उसमें क्या विशेषता रहेगी जी? मेरी पुस्तक 2 छंदों पर लिखी है मैंने। तो छंद मैंने 5 सालों के अंदर साधना से प्रयास करके लिखा। उसमें दोहे है, सोर्ण है, कुंडलियां है, कनाक्षरी छंद है, सवैये है। तो 2 पुस्तकों में 100 से भी ज्यादा प्रकार के छंद है। तो यह आज के भारतीय समाज के लिए, मैं समझती हूँ कि ये मेरी सेवा और समर्पण है कि नई पीढ़ी भी उनको पढ़े। और सरल भाषा में है, संतों को मातृभाषा भार से लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, तो आज के बच्चे भी उनको पढ़े। तो मैं समझती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी सेवा है बच्चों के लिए कि भारतीय संस्कृति में जहाँ पर छंद विलुप्त होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर छंदों को प्रस्तुत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसे मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। और दर्शकों को जो आप संदेश देना चाहोगे जी? दर्शकों को यही संदेश है कि चाहे कितना भी जमाना हाईटेक हो जाए, मोबाइल और टीवी और कंप्यूटर का जमाना हो, लेकिन जो किताबों का दौर है वो कभी समाप्त नहीं होगा। अभी हाल ही में दिल्ली में जो मेरी पुस्तक मोदी प्रकाशन से विमोचन पुस्तक मेला है, तो ये चलता ही रहेगा। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखन और सृजन और पुस्तकों का युग हमेशा से बना रहा है, प्रेमचंद जी के उससे पहले भी, और आगे भी बना रहेगा। मेरी नई पीढ़ी को भी ये संदेश है और उन्हें भी यही कहना है कि आप भी पुस्तकें पढ़िए।